गरीब है या अमीर है, बच्चा तो सभी को चाहिए। तो जिनको भी बच्चा नहीं हो रहा है, गॉडियम जैसे क्वालिटी सेंटर पर आकर उनके चांसेस एक प्रेगनेंसी और एक बच्चा होने के बहुत हाई हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर रही है उन लोगों को जो आज से कई साल पहले अडॉप्शन के अलावा जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं था या वो आजीवन निसंतान रह जाते थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। अभी हम मौजूद हैं पामव्यू हॉस्पिटल में, यहाँ के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय। और सही साथ आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में आज से IVF सेंटर की शुरुआत हुई है। यहाँ पे गोडियम IVF सेंटर की हमारे साथ फाउंडर डॉक्टर मनिका खन्ना मौजूद है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पे IVF सेंटर की शुरुआत हुई है, अब माता पिता बनना जो है और भी आसान हो गया है। तो IVF के बारे में चाहूँगी कि आप कुछ बताएं थोड़ा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम यहाँ के एक स्टॉलवर्ट डॉक्टर अजय, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनके यहाँ पर गॉडियम IVF खुल रहा है। जैसे सर अपने काम में एक्सेलेंस के लिए नोन हैं, वैसे ही गॉडियम IVF कंट्री का एक रिनाउंड चेन है जो अपनी क्वालिटी सर्विसेज के लिए नोन है। अब हम नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में मौजूद हैं, तो हमें लगा कि ईस्टर्न इंडिया भी नहीं छूटना चाहिए। और इसलिए हमें लगा कि ईस्ट इंडिया में बिहार में पटना में एक क्वालिटी केयर, हाई क्वालिटी केयर सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि आई ऑलवेज से everyone deserves a one of their own, यानी कोई गरीब है या अमीर है, बच्चा तो सभी को चाहिए। तो जिनको भी बच्चा नहीं हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड अवेलेबल है कि उसकी मदद से गॉडियम जैसे क्वालिटी सेंटर पर आकर उनके चांसेस एक प्रेगनेंसी और एक बच्चा होने के बहुत हाई हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी का भी कारण बना हुआ है, IVF का लोग सहारा ले रहे हैं, ऐसे में पुरुषों में जो हम आ जाते हैं इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर, ये कारण क्या हो रहा है? बहुत से कारण हैं मेल इनफर्टिलिटी के। वन ऑफ द रीजंस इज, एक छोटी चीज है, बहुत से कारणों के कारण स्पर्म की कमी हो जाती है सेमिनल फ्लूइड में। और स्पर्म जो है सो एक बार में, मतलब कितना मिलियन निकलता है स्पर्म और एक जाके फर्टिलाइज करता है। तो जो भी स्पर्म निकले वो क्वालिटी स्पर्म निकलना चाहिए। तो वो क्वालिटी स्पर्म नहीं निकलने पर हो सकता है कि 50 मिलियन उसके स्पर्म हों और उसमें क्वालिटी, कोई किसी का पुच्छी टूटा हुआ है स्पर्म का, कोई चलिए नहीं पा रहा है, कोई लोथ पड़ा हुआ है, तो इस तरह के स्पर्म, बैड क्वालिटी स्पर्म। तो है क्या कि IVF का फायदा क्या है कि यदि बैड क्वालिटी स्पर्म भी रहे या बहुत लो स्पर्म काउंट भी रहे और कुछ भी हेल्थी स्पर्म हैं, तो उन हेल्थी स्पर्म को रिट्राइव करके इन वाइट्रो, IVF क्या है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ओवम फीमेल, जब जिस समय ओवम निकलने का टाइम है उस समय ओवम को निकाला जाता है टीज करके, और फिर स्पर्म के साथ उसको मिला के शरीर के बाहर भी, इन वाइट्रो शरीर के बाहर ही दोनों को फर्टिलाइज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद महिला में उसको यूट्रस के में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब वहाँ पर फिर उसको फॉलो किया जाता है, वहाँ से ग्रो करता है और फिर धीरे धीरे बच्चा होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। यहाँ पे पामव्यू हॉस्पिटल में गॉडियम IVF सेंटर की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या मिलने वाली है माता पिता जो बनने के लिए यहाँ पे कपल? वो ऐसा है कि
इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी जो सुविधाएं हैं वो सुविधा इस गॉडियम सेंटर में है। ये तो पटना का है ना भाई पहला, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, और उधर समझिए कि द्वारका से कामरूप मचिया तक है। तो इनके सेंटर हर जगह हैं, दे हैव देयर एक्सपर्टीज इन दिस वन, और यहाँ पर इन्होंने इसको खोला है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के एक्सपर्टीज का हैं तो बहुत से IVF सेंटर्स एंड दे मस्ट बी डूइंग गुड। लेकिन हम समझते हैं कि इनका एक्सपर्टीज और इनका मैनेजमेंट का तरीका और इनका जो जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। डॉक्टर मनिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि IVF ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते के साथ जो है ना लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और धारणाएं भी लोगों में बहुत गलत है। तो मैं चाहूँगी कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा क्लियर कर दें कि जो लोग धारणाएँ गलत बना लेते हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि IVF एक टैबू नहीं होना चाहिए, एक कोई ये खलंक टाइप चीज़ नहीं है कि आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है। ये मेडिकल साइंस है, उसके मेडिकल कारण हैं, जैसे कि बिहार जैसी स्टेट में ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, मेल इनफर्टिलिटी सब सर बता चुके हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इन कई वजहों के कारण बच्चा नहीं हो रहा होता। तो इसमें उस लेडी या उस हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये टैबू नहीं है। दूसरा, जैसे सर ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि ये आप ही का बच्चा है, बहुत सारे मिथ जनरेट हो गए हैं, कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी कुछ ऐसी मूवीज़ की वजह से तो गांव में भी ये धारणाएं हैं, तो मैं आज ही उनको क्लियर करना चाहूँगी कि ये आप ही का बच्चा है। केवल फ़र्क ये है कि उसने जीवन के पहले 72 घंटे जो है वो लैब में इंक्यूबेटर में बिताए हैं, न कि अंदर शरीर में, और उसके बाद वो हस्बैंड का ही स्पर्म है, वाइफ का ही एग है, उसको मिला करके एम्ब्रियो बना करके हम डाल देते हैं। तो और दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो IVF को सराउंड करता है, क्या ये बच्चे अबनॉर्मल होते हैं? बिल्कुल नहीं, इनमें भी अबनॉर्मलिटी का रिस्क उतना ही होता है जितना एक नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी में होता है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि इन प्रेगनेंसीज में बहुत बेड रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेड रेस्ट इज़ नॉट असेंशियल एट ऑल, हमारी किताबें कहती हैं 10 मिनट का रेस्ट टेबल पर, दैट्स ऑल दैट यू रिक्वायर। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर रही है उन लोगों को जो आज से कई साल पहले अडॉप्शन के अलावा जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं था या वो आजीवन निसंतान रह जाते थे, तो अब उनके लिए ये एक बोन है जिससे कि उनका अपना बच्चा हो सकता है। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जिस इस सेंटर में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी टीम है, तो मैं चाहूँगी कि टीम के बारे में भी आप कुछ बताएं। जी, गॉडियम जो है वो पूरा हमारा देश बहुत ही, वी ऑल नो कि बहुत ही डाइवर्स है, हर जगह लैंग्वेज अलग है, हर जगह लोगों का बिहेवियर अलग है, पैटर्न अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, पर सब जगह बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, सब जगह होने के बावजूद हम सेम सक्सेस रेट, हाई सक्सेस रेट के लिए जाने जाते हैं, और हम मल्टीपल फेल्ड IVF साइकल्स, मतलब जो पेशेंट कहीं और से IVF करा चुका और फेल हो रहा है, उसमें सक्सेस के लिए जाने जाते हैं पूरी कंट्री में। उसका रीज़न क्या है, हम ऐसा कैसे अचीव कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो टीम्स होती हैं वो हाईली क्वालिफाइड और बहुत अच्छे से ट्रेन की जाती हैं। जो टीम अब आज यहाँ काम शुरू करने वाली है, इन्होंने 3 महीने का रिगरस ट्रेनिंग दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में लिया है, तो पूरी ट्रेन होकर और लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपकी टीम हमारी हाईली स्किल्ड है, टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की लीडर क्वालिफाइड हो और एक महिला हो तो वो उस दर्द को भी पहचानती है, क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। जिसका बच्चा नहीं है वो दर्द हम पहचानते हैं। तो जब इस मोटिवेशन से सभी लोग काम करते हैं, हम कहते हैं पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी। हमारे यूनिवर्स में, गॉडियम के यूनिवर्स में, पेशेंट सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है,
उसके बाद सब कुछ आता है। तो ये पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी हमारी टीम के अंदर ड्रिल कर दी जाती है डे वन से, कि कुछ भी हो, आपने 4 भी बज गए हैं, लंच नहीं किया, अगर पेशेंट बैठा है तो पेशेंट पहले आएगा, उसके बाद हम आएंगे। सब जाने भी जाते हैं क्योंकि पेशेंट फर्स्ट होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है वो आते हैं, भरोसा करते हैं। जी जी, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, दो IVF वर्ल्ड में कहीं भी 100% नहीं है, बट हम अपनी पूरी 110% जान लगाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशियाँ देकर ही भेजें। और थोड़ी सी आप यहाँ देख भी रहे हो। सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे यही देखा कि यहाँ पे जितनी भी बच्चे की फ़ोटोज़ हैं वो सब अपने अपने अलग अलग अंदाज में कुछ ना कुछ बयां ही कर रही हैं। वो खुशी जो माँ बनने के बाद जो महिलाएं महसूस करती हैं वो इस फोटो में दिख रही हैं। जी, और आप देखेंगे कि इसमें हर स्तर के लोग हैं, कोई हमारे यहाँ अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं। 15 से 20% पेशेंट हमारे पास 30 देशों से आते हैं, अमेरिका से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, मिडल ईस्ट से, नाइजीरिया से, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल भी सर्विसेज एडवांस्ड नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग इतनी दूर से भी आते हैं यहाँ पे कराने, तो फिर हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपना बेस्ट दें। इन्हीं केसेस में गॉडियम टीसा के लिए जाना जाता है। टीसा इज टेस्टिकुलर एस्पिरेशन, यानी जब बहुत ही कम स्पर्म्स हों या सीमन में 0 भी हो पर टेस्टिस में स्पर्म्स हैं, तो जैसा सर ने समझाया, टेस्टिस से स्पर्म्स एस्पिरेट करके और वाइफ के एग निकाल के और उसको लैब में फर्टिलाइज करा सकते हैं। तो अगर आपकी स्पर्म काउंट बहुत लो भी है या 0 भी है तो निराश नहीं होना है, आकर एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, बहुत चांसेस हैं कि उस सिचुएशन में भी हम स्पर्म रिट्रीव कर लेंगे और बेबी हो जाएगा। तो शुक्रिया आप दोनों का, जो आप दोनों ने जानकारी दी IVF सेंटर के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर मनिका को सुना, जिन्होंने इस IVF सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पे अगर कोई कपल आते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, साथ ही साथ वो कितने खुश नसीब होंगे जो यहाँ पे आएंगे और माता पिता बनने का सुख प्राप्त करेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।